अच्छा, दूध में घी होता है, दिखता है, कब दिखता है? जब उसका प्रोसेसिंग होता है, उसको महा जाता है, तब वो दिखता है। तो भगवान है देखने के लिए, हमको भी अपने भीतर क्या करना पड़ेगा? प्रोसेसिंग करना पड़ेगा, तब वो दिखेंगे। और भगवान की ताकत, भगवान की शक्ति, पता नहीं इस आँख से हम देख पाएंगे कि नहीं, लेकिन उसकी जो ताकत है, उसकी जो शक्ति है, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। आइंस्टीन का नाम आपने सुना है? किसका सुने? आइंस्टीन कोचिंग में पढ़ाता है? नहीं, ऐसा कहूँ आइंस्टीन। एक बार जहाज में यात्रा कर रहे थे और माला जप रहे थे, जो भी उनका धर्म रहा होगा। एक युवा आफी की तरह स्मार्ट बिहारी उनके बगल में बैठा और देखा कि ये बुढ़ा आदमी बाल उजला माला जप रहा है। उन्होंने कमेंट किया, क्या बात करते हैं आप, ही लोग जैसे लोगों ने इस दुनिया को बर्बाद किया है। वो पहचाना नहीं कि ये कौन है। जहां आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक परमाणु पर रिसर्च कर दिए हैं, आइंस्टीन को ही वो लड़का कह रहा है कि जहां आइंस्टीन जैसे लोग परमाणु का आविष्कार कर दिए हैं, वहां आप जैसे लोग माला पकड़े हुए हैं, इस दुनिया का दुर्भाग्य है। आइंस्टीन ने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप मुस्कुराते रहे। वो भी उनके बगल में बैठा रहा। जब एयरपोर्ट पर आइंस्टीन उतरे तो बहुत सारे लोग वहाँ फूल का गुलदस्ता और ये सब लेके, वहाँ भीड़ लगा हुआ था कि आइंस्टीन इस फ्लाइट से उतर रहे हैं। वो लड़का भी उनके साथ साथ था, देखा कि जिस बुढ़े आदमी को माला पकड़े हुए था, उसको बहुत सारे लोग घेरे हुए हैं और कोई गुलदस्ता दे रहा है, कोई माला दे रहा है। तो आसपास के लोगों से पूछा कि भाई ये आदमी कौन है जो इतने लोग इनको घेरे हैं? लोगों ने कहा, अरे ये आइंस्टीन है, जो साइंटिस्ट हैं। अब उसको भीतर से बड़ा परेशानी हुआ कि हमने तो इन पर काफ़ी कमेंट कर दिया है। जब भीड़ छटी तो ये भी गया उनके पास और कहा कि सॉरी सर, हमने तो आपको बेवकूफ समझा, आप तो आइंस्टीन हैं, तो आप इतने बड़े विज्ञान जगत की हस्ती, आप माला, इसका क्या मतलब? आइंस्टीन ने कहा, देखो, दुनिया में पदार्थ विज्ञान का अपना एक स्थान है, लेकिन हमारे भीतर हमारा अपना नियंत्रण करने का जो पावर है, उस परमात्मा की शक्ति को के पास है, और इसीलिए हम माला जप रहे थे कि हमारा हमारे ऊपर नियंत्रण रहे। ये परमात्मा की शक्ति है, ये भगवान की शक्ति है, और भगवान की शक्ति को चैलेंज नहीं किया जा सकता है। लेकिन हम लोग जिस भगवान को मानते हैं अभी अपने माइंड के अनुसार, वो भगवान है कि नहीं पता नहीं। हम लोग जिस भगवान को, हम लोग तो ये मानते हैं कि जैसे बच्चे लोगों को टॉफी दिखाओ तो बच्चा कहता है तथास्तु, लेते आइए, या मुस्कुराता है। तो भगवान को भी फूल उल दिखा के बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, माला दिखा के बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। ये भगवान नहीं है। भगवान, मैंने पिछले कई क्लास में आपको बताया है कि भगवान हमारे भीतर एक ट्रांसमिशन लगवा दिया है, जन्म लेने के साथ साथ जब धरती पर आए, आपके सब पूजा पाठ को भगवान उस ट्रांसमिशन से देखता है। आप जैसे ही कहते हो, क्या तुमेव माता च पिता तुमेव, सब तुम ही हो, भगवान ने स्क्रीन पर देखता है, देखो तो अरे क्या हाल है, अरे सर ये झूठ बोल रहा है, ये सुपर डिग्री का झूठा है। तो भगवान को हम बेवकूफ़ नहीं बना सकते। हम सोचते जरूर हैं कि हम भगवान को बेवकूफ़ बना रहे हैं, इसलिए ध्यान करने से तो यही लाभ मिलता है कि बेवकूफ बनाने का जो आपके अंदर कीड़ा है, क्या है, क्या है, सबके अंदर है, दूसरे को बेवकूफ बनाने का कीड़ा, ये कीड़ा मर जाता है, ये कीड़ा मर जाता है। और इसलिए ध्यान कराया जाता है कि आप सही में भगवान के उस पावर को, उस शक्ति को लेने की स्थिति में आ जाए। स्वामी विवेकानंद, आपने नाम सुना है, वो भी नास्तिक थे, भगवान को नहीं मानते थे, युवा थे दिखने में भी, आज भी चेहरा देखिए क्या बुलंद चेहरा, आप लोगों को देख के लगता है न
रस गराया हुआ माल है, हैं? और वो जगह जगह जाते थे, सबसे एक ही बात पूछते थे, अच्छे भगवान होते हैं? लोग उनको समझाने लगता था, ऐसे है, ये है भगवान का, ये नहीं नहीं आप ये मत बताइए, आपने भगवान को देखा है? नहीं नहीं देखे तो नहीं, हटिए छोड़िए, अब आप ओरिजिनल वाले मास्टर नहीं हैं, हमको ओरिजिनल मास्टर चाहिए जिसने भगवान को देखा है। रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई के पास, रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई के पास भी पहुंच गए वो, और उनसे भी पूछा, वो भी तपस्या कर रहे थे, कि आप भगवान को जानते हैं? तो वही समझाने लगे, नहीं नहीं आप भी मेरे लाइक मास्टर नहीं हैं। वो चारों तरफ अपने लाइक मास्टर खोज रहे थे, चूंकि उनका लेवल हाई था, वो जानते थे। अंत में किसी ने उन्हें कहा कि चले जाओ दक्षिणेश्वर में, एक पुजारी रहता है जिसका नाम है रामकृष्ण परमहंस, वहाँ भी पहुँच गए ये। वहाँ पहुँचे तो देखे कि बरामदे पर एक बूढ़ा मैला कुचैला कपड़ा पहने हुए, दाढ़ी उढ़ी बढ़ा हुआ, जीर्ण शीर्ण अवस्था में एक बुढ़ा बैठा हुआ है मंदिर के बरामदे में। तो इनको लगा कि रामकृष्ण परमहंस जिसका नाम है तो बड़ा स्मार्ट आदमी होगा, निशांत रंजन की तरह और लोगों की तरह, लेकिन ये तो स्टाफ लेवल टाइप का व्यक्ति, जो फीलिंग्स युवा का होता है। तो उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से पूछा कि रामकृष्ण परमहंस यहीं रहते हैं? रामकृष्ण परमहंस ने ध्यान से देखा, अरे ये तो वही है जिसको हम खोज रहे थे। उन्होंने कहा कि हाँ यहीं रहते हैं। कहाँ है? बोले बैठो। अंदर गए और अंदर से बाहर से निकल के आए, कहे मैं ही रामकृष्ण परमहंस हूँ। उसको लगा ये आदमी पागल है, इतने बड़े आदमी या जिसने मुझे भेजा है उसने मेरे साथ मजाक किया है। आप रामकृष्ण परमहंस हैं? मैं ही रामकृष्ण परमहंस। आपने भगवान को देखा है? तपाक से उत्तर दिया उन्होंने कि हाँ देखा है। कैसे देखा है? जैसे तुम्हें देख रहा हूं। अब तो विवेकानंद को लगा कि सही में इसका दिमाग गड़बड़ है। विवेकानंद का जैसे मुझे देख रहे हैं वैसे देखें आप? हाँ जैसे तुझे देख रहा हूं वैसे ही देखें। स्वामी विवेकानंद ने कहा मुझे लगता है आपको इलाज कराने की आवश्यकता है, आप कलकत्ता मेरे साथ चले, वहां बहुत अच्छे अच्छे मानसिक रोग मेंटल डॉक्टर हैं, मैं आपका इलाज करा दूंगा, आप पागल हैं। रामकृष्ण परमहंस को विवेकानंद ने क्या कहा? पागल। रामकृष्ण ने कहा ठीक है, अगर मैं पागल हूं तो मैं अपनी माँ से पूछ के आता हूं कि मैं पागल हूं कि नहीं हूं। अंदर गए और इनको लगा कि इनकी कोई बूढ़ी माँ और होगी जो अंदर रहती होगी। ये काली के पास गए और काली के सामने खड़े होके कहे माँ वो जो नरेंद्र आया है, नाम भी जान गए बिना बताए, वो मुझे पागल कहता है। बाहर निकले और जोरदार आवाज में कहा नरेंद्र पागल मैं नहीं, पागल तू है। अब तो विवेकानंद कांप गए कि मैंने तो अपना नाम भी अभी इनको नहीं बताया है और ये मेरा नाम लेके कह रहे हैं कि पागल तू है। उस दिन से विवेकानंद का बुद्धि चकराना शुरू हुआ। अभी भी विश्वास नहीं हुआ था, अभी भी डाउट की स्थिति में थे, सही है कि गलत है, जादू जानता है, कुछ जानता होगा। शंका इतना जल्दी व्यक्ति के जीवन में समाप्त नहीं होता है, हमेशा डाउट में रहता है। और जो व्यक्ति शंका के साथ भगवान की पूजा करता है उस व्यक्ति के जीवन में कभी भगवान की उपस्थिति नहीं होती। अब उस दिन वापस आ गए, फिर एक दिन गए, कहे कि आप क्या प्रमाण है कि भगवान होते हैं? फिर शुरू हो गए। अब विवेकानंद को बैठाया रामकृष्ण परमहंस ने, कहा बैठ जा, अपने पैर का अंगूठा उनके मस्तक से लगा दिया। अब तो विवेकानंद को लगा कि संपूर्ण ब्रह्मांड घूम रहा है, वो चिल्लाना शुरू कर दिए रोकिए इसको, फिर सर पर हाथ दिया, फिर भी उनके मन में विश्वास नहीं हुआ कि नहीं नहीं ये कुछ जादू उदू जैसे जादूगरी सब दिखाता है, नहीं नहीं। अब सोचिए कितने दो साल डेढ़ साल के बाद विवेकानंद को विश्वास हो पाया और तब जाके उन्होंने ध्यान की साधना करने लगे और तब जाके उनको परमात्मा का साक्षात्कार हुआ और तब जाके वो दुनिया में स्वामी विवेकानंद के नाम से फेमस हुए। आप क्या चाहते हो? हम तो चाहते हैं आज से यहाँ से जाएं और जैसे निशांत सर बताए हैं कि आंख बंद करना, सूरज का रोशनी अपने ऊपर ले लेना और सुबह जगे तो एकदम रोशनी रोशनी लगे।
माफ करिए, आप बाल बुद्धि हो। देखिए आपके उम्र से मेरा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आप सब बच्चे हो। अब बच्चा मतलब, मैं तो सोचता हूँ छोटा बच्चा से भी ज़्यादा बड़ा बच्चा आप हो। दाढ़ी मोच निकल जाने से कोई बड़ा नहीं होता, ये तो ऑटोमेटिक प्रक्रिया है जो निकल ही जाता है। इसलिए भैया भगवान की उपासना, भगवान का ध्यान आपके कार्य क्षमता को बढ़ा देता है, आपके टैलेंट को बढ़ा देता है, आपके बुद्धि को प्रखर कर देता है, आपके अंदर शक्ति भर देता है, विपरीत से विपरीत स्थिति में भी खड़ा होने का साहस भर देता है। ये टॉनिक का काम करता है। जैसे शरीर अगर कमजोर होता है तो डॉक्टर क्या लिखता है, टॉनिक लिखता है। ये टॉनिक दो दो ढक्कन सुबह शाम पीना, कमजोरी ठीक हो जाएगा। शरीर की कमजोरी तो ठीक हो गई, लेकिन हमारे मन की कमजोरी, हम मन से परेशान हैं, डाउट में जी रहे हैं, शंका में जी रहे हैं, टेंशन में जी रहे हैं। इसको ठीक करने के लिए मेडिकल साइंस के पास कोई उपाय नहीं। यही है उपासना, यह है भगवान की प्रार्थना, यह है गायत्री मंत्र और यही है ध्यान, जो आपको आपके अंदर से ही समर्थवान बना देता है। समर्थ कितना, जो विवेकानंद को दो रोटी खाने का भी स्थिति में नहीं थे, वो पूरी दुनिया में फेमस होते हुए चले गए, सारे संसार में फेमस होते हुए चले गए, पूरी दुनिया में। जब शिकागो के धर्मसभा सम्मेलन में जबरदस्ती उनको मंच नहीं मिल रहा था, जबरदस्ती वो मंच किसी तरह उनको मिला और एक ही लाइन उन्होंने कहा, पहला वाक्य, पूरा अमेरिकन बैठे थे वहां, क्या बोला था, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। इतना बोलते ही हॉल में लगा ताली का गड़गड़ाहट, इतनी ताली बजी। आप यहां के बोलो कोई ताली नहीं बजाएगा, क्यों, आपके जवान में ताकत नहीं है, आप हकलाते हो, आप हकला हो, क्या क्या हकला, मुंह कान हमको मत दिखाइए, माफ करिए, ये दिखाइएगा जाके दूसरे जगह। इसलिए भैया ये समझ लो, इस वाणी में ताकत होनी चाहिए, इस वाणी में ताकत होनी चाहिए। कैसे आएगा, इसको साधना पड़ता है, इसको साधना पड़ता है, इसको नियंत्रण करना पड़ता है, तब इस वाणी में ताकत आती है और तब इसकी शक्ति मिलती है और तब इस वाणी से जिसको चाहो श्राप दे दो। पहले के लोग क्या कहते थे, तुमको श्राप दे देंगे, तो श्राप लग जाता था क्योंकि वो तपस्या करते थे। ये सब साइंस है, ये विज्ञान है, ये टोटल चीज हमारे यहाँ रिसर्च हो रहा है, हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट में ये सारे चीज रिसर्च हो रहे हैं। इसलिए आप समझ लीजिए कि भारत का जो भी प्राचीन चीज था वो बड़ा ही साइंटिफिक था, बड़ा ही वैज्ञानिक था। और अगर आप चाहते हैं कि आपका माइंड, आपकी बुद्धि प्रखर हो जाए, दुनिया की हर बाजी हम जीत लें, तो भारत के उस विज्ञान को समझने का कोशिश करिए जिस विज्ञान के बल पर भारत कभी पूरे दुनिया को रोशनी दिखाने का काम करता था। आज आप लोग तो देखने से तो पढ़े लिखे लग रहे हैं कि नहीं मुझे पता नहीं। आज भारत के प्रधानमंत्री ने दुनिया को एक चैलेंज कर दिया है। क्या कहा है भारत ने अभी संयुक्त राष्ट्र में, कि अगर मुझे वीटो का अधिकार नहीं दिया गया तो मैं दूसरा संगठन बना लूंगा। अब पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है कि भारत कह रहा है कि हम दूसरा संगठन बना लेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ। अब आप कल्पना करिए ये पावर भारत का जो है, भारत की जो शक्ति है, भारत का जो अध्यात्म है, वो कमजोरों के लिए, डरपोकों के लिए, बुजदिल लोगों के लिए नहीं। यहाँ तो शिवाजी जैसे लोग हुए, शिवाजी का नाम सुना है आपने, उनके गुरु ने क्या कहा, शेरनी का दूध ले आओ। आपके गुरु जी अगर कहेंगे ले आओ तो हम बुड़बक हैं करे, आप नहीं जाओगे, और वो चल गए और शेरनी को कहा शेरनी का दूध भी ले लें। याद रखिए अध्यात्म की ताकत जो है वो बड़ी शानदार चीज है, दुनिया में हर सुख सुविधा उससे मिल सकता है, ये विज्ञान है। लेकिन भगवान को ठगने से नहीं मिलेगा। अच्छा ललका वाला सिंदूर लें कि गुलाबी वाला लें, नहीं पार्वती जी को कौन वाला पसंद है, लाल की गुलाबी, तो पंडित भी बैठल है, गुलाबी ले लीजिएगा। माने भगवान को ठगने के जितने षड्यंत्र हो रहे हैं, मैं तो कहूँगा
इन षड्यंत्रकारियों का भगवान पहले इलाज करें। भगवान को बेवकूफ बनाया जा रहा है, और भगवान बेवकूफ बनता नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश होती है क्या बना नहीं? पूजा के नाम पर, हाथ में ये सूतरी बांधने के नाम पर, सब सूतरी बांधे हुए होगा लगभग, यहाँ हाथ खड़ा करेंगे तो कुछ छह लोग होगा जिसके हाथ में सूतरी नहीं होगा। ये मैं पूछूं क्यों बांधे हो भाई? अच्छा क्यों बांधे हो भाई? सब कहेगा पंडित जी तनी मोट बांधिएगा, रंगदार लगे हम तनी बदमाश हैं। ये सूतरी बांधने का मतलब, अरे भैया ये बांधने का ये मतलब होता है कि हम भगवान के आदर्शों से जुड़ जाएं, भगवान के अच्छाइयों से जुड़ जाएं। जुड़ने के लिए बांधा जाता है प्रतीक के रूप में। आप क्यों बांधते हो? टोटल मामला को उलट पुलट के रख दिया है। भगवान को लड्डू खिलाएंगे हैं? भगवान को लड्डू, भगवान लड्डू खाते ही नहीं भाई, लड्डू क्यों खिलाओगे भगवान? माफ कीजिएगा, अगर हमने भारत के अध्यात्म को समझ लिया तो आज 90% घरों की समस्या ठीक हो जाएगी, सास बहू का झगड़ा ठीक हो जाएगा, ननद भौजाई का झगड़ा ठीक हो जाएगा, अगर अध्यात्म को समझ लिया तो। और नहीं तो फिर तो खेला चालू है। घबराइए नहीं, मुस्किया रहे हैं, सब मुस्कियों नहीं निकल जाएगा। अभी एगो SBI का ब्रांच मैनेजर छाती पीट रहा है, पेपर पढ़े हैं ना? हैं? नहीं पढ़े? राजीव जी सुने है कहानी? नहीं। 9 साल शादी का हो गया, कितना? आप लोग भी ध्यान से सुनो भाई, आप लोग भी तेज हो। हाँ ये नहीं समझो, ये सब तो 20% है, आप 50 में हैं। हाँ ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत, अरे इस सबको तो रगड़ भी देते हैं, आपको देवी के रूप में देखा जाता है, और कितना देवी का माल खा जाती हैं आप लोग। चलो तो अच्छे हो आप लोग भी, दोनों लोग अच्छे। अभी घटना सुनिए, परसों का है। हाँ SBI में ब्रांच मैनेजर, नौकरी चाहिए ना? हाँ भैया। अब ब्रांच मैनेजर के बाद बनने के बाद शादी हुआ, 9 साल हुआ शादी का, कितना? हाँ आपका कितना दिन हुआ? 2 साल। यहाँ 9 साल का मामला है, सुनिए, हंसिए मत, सुनिए। पत्नी को बेचारा घुमाने ले जा रहा था आसाम गुवाहाटी कैपिटल एक्सप्रेस, AC 1 में रिजर्वेशन कराया, ब्रांच मैनेजर के बात है भैया, और रात में पति भी सो गया, पत्नी भी सो गई, सुबह उठा तो पत्नी थी नहीं। अब बेचारा पति इधर उधर भटकते चारों तरफ, कहीं नहीं मिली तो थाना में रिपोर्ट कराया। अब पत्नी उतर गई बीचे रास्ता में ककरो दूसर के साथ है। ये मोबाइल का करिश्मा, मोबाइल का करिश्मा देखिए। और उसके बाद जब चारों तरफ नहीं मिली तो पत्नी उसकी अपने घर पर, अपने मायके में अपने पिताजी को फोन की कि मैं दूसरे के साथ आ गई हूं, मैं उसके साथ नहीं रहूंगी। नौकरी चाहिए है? मामला गड़बड़ बा। यही अध्यात्म होता अगर, यही अगर अध्यात्म, ये देखिए ये मोबाइल इतना खतरनाक हो गया है इस दुनिया में, और मोबाइल में तो ऐसा ऐसा ऐप सब आ गया है। हमको दिखा रहा था कि उसमें जैसा चेहरा चाहो करिया को उज्जर बना दो। बाप रे बाप, सीधे ठग विद्या है रे भाई है। और लाइकन एकदम सीधे चेहरा नाक नस्क सब चेंज कर दे रहा है, और अपने ID पर इतना खूबसूरत लड़का वाला, लड़का भी अरी भी दोनों, अब दोनों दोनों को देखा, दोनों तरफ फर्जी माल है, माल नहीं ये देख लो भाई, दोनों तरफ फर्जी माल है। अब दोनों देख के प्रभावित हुआ, और जब ओरिजिनल में भेंट हुआ, नहीं नहीं टाइम नहीं है, तुम इधर जाओ हम इधर जा रहे,
माफ करना भाई, हैं, जमाना बहुत बदल रहा है, इसलिए अध्यात्म की आवश्यकता है और संस्कार की आवश्यकता है। अगर संस्कार नहीं आया तो मकान, दुकान, गाड़ी, बंगला सब लगेगा बेकार। इसलिए भैया संस्कार प्राप्त कर लो समय रहते, यह अभी डिमांड है। इसलिए ध्यान और गायत्री मंत्र यही प्रभाव डालता है, यही लाभ देता है कि आपके अंदर एक मैच्योरिटी देता है, एक पावर देता है आपको, आपके अंदर समझदारी देता है, आपको अपने ऊपर नियंत्रण करने की शक्ति देता है, शक्ति देता है, सही गलत समझने की शक्ति देता है। आप लोगों ने अध्यात्म को क्या समझ लिया? गायत्री को धुआं सुंघाओ, अगरबत्ती है ताजा ताजा सुंघिए, गणेश जी को धुआं दिखाओ, लक्ष्मी जी को धुआं सुंघाओ। माफ करिएगा, हमने टोटल सिस्टम को समाप्त कर दिया है जो हमारा विज्ञान था, जो हमारा साइंस था। अगर हमने अपने विज्ञान को समय रहते नहीं ठीक किया तो आने वाले दिनों में इस धरती पर कौन लोग रहेंगे? उल्लू, चमगादड़, लोमड़ी, ड्रेस यही रहेगा। ड्रेस में अंतर, ड्रेस तो और हो सकता है मॉडर्नाइज आ जाए, कहां कहां कटा हुआ ड्रेस मिले भगवान जाने। और ये फिल्मी दुनिया के जो लोग हैं ये तो और इस देश को बर्बाद करने में लगे हैं, अब उनका हिसाब शुरू हो गया है, उनका भी उल्टी गिनती शुरू हो गया। बेचारा आमिर खान छाती पीट रहा है कि अब हम दुबई चले जाएंगे, यहाँ नहीं रहेंगे, हमारा लाल भी गया और चड्ढा भी गया, दोनों चला। ये शुरुआत है, ये शुरुआत आपके लिए भी सब सीटी निकल जाएगा जो रूम में मरवा रहे हैं, हैं? खेसरिया के गाना, खेसरिया के गाना, खेसरिया के गाना सुनिएगा तो बेटा सुनेगा आपका रहरिया का गाना, घबरा कह रहे हैं। ये सब झुलफी जो है ना, ये झुलफी वो कुल्फी बेचने के भी काम में नहीं आएगा। पढ़ता हूँ, हम दिल्ली गए तो छोरा सब कहा कि पढ़ता हूँ, सुतता हूँ, खाता हूँ और गिर जाता हूँ, हैं? एगो पूछा हमसे जो ये जो आप कहते हैं गिर जाते हैं तो कैसे, माने लड़का गिर जाता है? हम कहे कि ये उसी सबसे पूछना, ये चुरुक्का सबसे। आप लोग बहुत अच्छे लोग हो, देख के मन खुश हो जाता है। संडे को जब आप लोगों का हम दर्शन करते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है, आनंद आ जाता है। एक सप्ताह तक आप लोगों का ये चेहरा याद रहता है। हम तो चाहते हैं कि गाड़ी बुला के सब माल को लोड करके और मोदी जी के प्रधानमंत्री आवास में भेज दें, ले जाइए, लेके क्या करेंगे ये मरुअल माल। माफ करिएगा, अध्यात्म मतलब जीवंत और जागृत, उसके चेहरे पर चमक हो, आंखों में चमक हो, उसकी चाल दोख देख के पकड़ ले ये बंदा कुछ करके रहेगा। अभी तो आपका चाल देख के लगता है कि आप नागिन डांस करके आए हो, हैं? मामा के बेटा के ब्याह हले, हमहूँ नागिन बन के डांस किए, अच्छा किए, पैरवे तनि टूट जाता तो ज़्यादा बढ़िया रहता। आप करिए, स्मार्ट युवा दोनों के लिए हम बोल रहे हैं, स्मार्ट बनिए, संस्कार से स्मार्ट बनिए। गायत्री मंत्र यही काम करता है, ये कमजोर डरपोक को करने वाला चीज नहीं है, ये भीतर एक बल देता है। इस अध्यात्म की आवश्यकता आज इस राष्ट्र के युवाओं की, सही समझ सूझबूझ अगर आपके जीवन में आ गया तो धन दौलत रुपया पैसा मान सम्मान ये सब आपके पीछे पीछे चलेगा, किसी चीज की कमी नहीं होगी। मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूं। गायत्री मंत्र के बारे में तो कहा जाता है, आयुः प्राणम प्रजाम पशु कृति द्रविणम ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्त्वा बृजत ब्रह्म, ये सब कुछ देती है, बिल्कुल देती है, बिल्कुल देती है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, सब कुछ देती, अगर नहीं देती तो 27 साल से मैं आपके पास खड़ा नहीं होता, बिल्कुल देती है, लेकिन पात्र भी होना चाहिए, कुपात्र को नहीं देती, बिल्कुल मिलता है। और आप सबसे मेरा यही उम्मीद है, हम देखें तो मन खुश हो जाए, ताजा माल चाहिए, कौन माल? बढ़िया माल, बढ़िया युवा चाहिए, स्मार्ट युवा चाहिए। इसलिए रोज ध्यान, जैसा कि निशांत जी ने बताया, करिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में खूब प्रसन्न रहिए, मन लगा के पढ़िए, क्या करिए,
ये गायत्री जपिएगा, ध्यान करिएगा तो पढ़ने में मन लगेगा, और जिस काम में मन लगेगा उसका रिजल्ट कैसा होगा, नहीं तो फैशने में रह जाइएगा। फैशन के कोई वैल्यू नहीं है। सब अभी देखिए, आप लोगों के लिए मैं बता रहा हूं, बेगूसराय की एक लड़की सिपाही में ज्वाइन की, किसमें, और 6 महीना का बच्चा भी है उसको, 6 मंथ, सिपाही में नौकरी की और उसके बाद भी अपना पढ़ाई चालू रखी, और आज वो बीपीएससी कंप्लीट कर गई, डीएसपी बन गई, वो डीएसपी बन गई। ताली मारना तो तालिये तो हो बिहार में, वो झूठे झूठे सीताराम सीताराम, ताली उली से कुछ नहीं होगा, सुने हैं तो उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। मुंह कान बनाने कोई नहीं देखेगा, सब बुड़बक बनाता है। हाँ, बेरोजगार है इसलिए बुड़बक, कल इसको रोजगार मिलेगा तो कहेगा नहीं माए बाप नहीं तैयार हुआ हमारा, ये सब के एकदम नहीं फंसिएगा। आपको अगर ये सब मैसेज देता है या दिल भेजता है डुप्लीकेट, तो इधर से मैंने पिछले मीटिंग में कहा था कि तीर भेज दीजिए, चुरुक्का है एकदम, इसके उल्फी झुल्फी मुंह कान पर मत, सब ठग है ये, नहीं मतलब है ये भी, आपको भी कह रहे हैं आप भी ठग हैं आप, इसलिए गायत्री इसलिए जपवा रहे हैं, इसलिए कि आपके अंदर ये समझदारी आ जाए, और समझदारी आ जाएगा तो रिजल्ट आपके मुट्ठी में होगा। ये बेवकूफ बनाने का नाम भगवान का पूजा है, ये पूजा छोड़ दीजिए, भगवान को बेवकूफ मत बनाइए, भगवान बेवकूफ नहीं बनेगा। ये हल्दी चढ़ाएं कि अक्षत चढ़ाएं, हैं इत्र चढ़ाइए, इत्र इत्र लगाइए भोला बाबा को, इत्र लगाइए भोला, महका ही तू और लगे में भोला बाबा। आप लोग बहुत अच्छे लोग हो, बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना, धन्यवाद।